सर्टिफिकेट देगा क्या? तू सर्टिफिकेट देगा? तू देगा सर्टिफिकेट? पत्रकारिता करो, पत्रकारिता कर ले अपने हिसाब से। तू सर्टिफिकेट मत बांट, तेरा यू काम नहीं है भाई। तेरा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, फालतू की बकवास करने का काम नहीं है तेरा। जनता का मुद्दा नहीं, ये जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा बेरोजगारी हो रही देश में, किसान इतना परेशान है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती हुई चली गई, तूने कितना उठाया उस मुद्दे को भाई? तू आ गए यहाँ इंटरव्यू करने के लिए धर्म पे और धर्म संसद पे, तू यहाँ आ गए इतनी दूर 70 किलोमीटर, तू ना उठाया वो मुद्दा जो दिल्ली वाले लड़की जो हुई है, जिस जो घिसटती हुई गई स्कूटी से, उठाई तूने? तेरे चैनल पे देखूं क्या अभी खोल के? अभी देखूं खोल के? अभी देखूं तेरा चैनल खोल के? जरूरी है कि चैनल पे क्यों और काय पे डालेगा? फिर चैनल पे नहीं डालेगा, काय पे डालेगा? तेरा टीवी चैनल आ गया क्या? ट्विटर पे डाला तूने? देखूं अभी? चेक करूं? चेक करो, चेक करो। पत्रकार पे तो आप इतना इतना चीख रही हैं। जो YouTube पे वीडियो पे व्यूज आता है, पैसा आता है, तुम्हें उसी चीज से मतलब है? तूने कितना उठाया वो मुद्दा? तूने कितना उठाया मुद्दा? दिल्ली में लड़की को घसीट दिया गया, कितना मुद्दा उठाया? अभी जो है लखीमपुर में 3-4 लड़कियों के जो है आत्महत्या कर ली, किसी ने नस काट ली, किसी ने कुछ कर दिया, कितना मुद्दा उठाया तूने? अभी जो है इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा पठान मूवी, तुम लोग इसी पे वीडियो इंटरव्यू बनाए जा रहे हो? क्यों बनाए जा रहे हो तुम इसी पे? नहीं, आप पत्रकार पे चिल्ला रही हैं और जो जो शाहरुख खान का पोस्टर फाड़ रहे हैं मॉल में, उद्धव कर रहे हैं, आप उसमें नहीं बोल रही? मैं तो उसमें बोल रही हूँ, बच रही है, आप सपोर्ट कर रही है। नहीं बोला मैंने, तो नहीं बोला कि उनको छोड़ दो, मैंने बोला गलत है सर, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है? बोला नहीं मैंने कि किसी की संपत्ति को आप कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो? गलत तो गलत ही है। अब ये भी तो गलत है कि तुम एक ही उस पर इंटरव्यू वीडियो ले जा रहे हो, तुम लड़की उधर घिसटती हुई चली गई, तुम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हो? ये भी तो गलत है ना, अपनी दोस्त को मरने के लिए एक लड़की छोड़ गई, ये भी तो गलत है ना? आप जो चाहेंगे वो सवाल हम करें आपसे, आप वो सवाल करिए जो जरूरी है, जनता के मुद्दे हैं, फालतू के बकवास वाले नहीं। मेरे, मेरे, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जो जो खबर आया है उससे आपकी बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 बार इंटरव्यू करना पठान मूवी पर आ गए, क्या आप एक बार भी उस पर आए थे जो स्कूल में लड़कियां आत्महत्या करी थी जिन्होंने ब्लेड से नस काट काट करके, क्या आप आए उस पर एक बार भी इंटरव्यू कर? लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, लखीमपुर जो वो बहुत चर्चित कांड था, वो बहुत चर्चित था लखीमपुर। आप तय करेंगे मीडिया क्या करे? आप तय करेंगे? आपने उन बेटियों के लिए आप आए इंटरव्यू करने यहाँ पर? आए क्या जिन्होंने आत्महत्या करी ब्लेड से नस काट के अभी लड़कियों ने? नहीं आए ना? आप पत्रकार से कह रहे हैं, क्या आप उनके परिवार से मिलने गई? किनके परिवार से? नहीं गई, नहीं गई। मैंने उनकी आवाज उठा, समर्थन करने का जरूरी है मतलब जाना ही होता है? समर्थन करने का मतलब होता है कि आप बोल करके आवाज उठा करके भी कर लू दे 20,000 रुपया दे दे चली जाऊंगी, गाड़ी ना मेरे पे, गाड़ी ना मेरे पे, लत दे दे अपनी गाड़ी चली जाऊंगी, सारी यही बैठक है खोल के बताऊं मैं क्या क्या समस्याएं हैं कर रहा यहाँ से। तू होगा भाजपा का नेता, तू लेता होगा पिछले रास्ते से उनसे पैसे, जब ही आवे हैं इंटरव्यू करने 80 किलोमीटर दूर तेल फूक के क्यों साधु? मैंने कभी भी स्मृति ईरानी पे साधा निशाना जब उन्होंने कैटवॉक किया इन कपड़ों में? क्या मैंने कभी रवि किशन पे साधा जब वो खटिया सटा रहे थे हीरोइन के साथ में? क्या मैंने निरहुआ पे साधा? क्या मैंने मनोज तिवारी पे साधा निशाना? नहीं ना, तो फिर मैं दीपिका पादुकोण को क्यों बोलूं? जब क्योंकि इन लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, मेरे को क्या लेना देना? स्मृति ईरानी सरकार में है, नाम नहीं लेता, खाना हजम नहीं होता है। अच्छा, तुम्हें अच्छे से पता है ना नहीं होता है ना हजम? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जनता के मुद्दे नहीं उठाते, फालतू की बातें करते हैं, मंत्री पद पर बैठ करके जनता के मुद्दे नहीं उठाते वो, इसलिए हमारा खाना हजम नहीं होता, क्योंकि हम जनता के मुद्दे उठाने में विश्वास रखते हैं। साधु संत विरोध कर रहे हैं, आप उनके संपर्क में हैं असल में? हाँ, तुम्हारा क्या फर्क पड़ रहा है? अरे वो मेरा धर्म है, मेरी मैं उसमें निष्ठा रखती हूँ, मेरी भावनाएं मेरे धर्म के साथ जुड़ी, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले? आप सेंसर बोर्ड में जाएंगे उद्घाटन करने जो खुल रहा है, धर्म सेंसर बोर्ड? अब कितने धर्म संसद बोर्ड खुलेंगे? जो सरकारी है वो बंद होगा क्या? क्या सभी धर्मों के एक एक सेंसर बोर्ड खुलेंगे? नहीं ना, फिर अगर खुलेंगे जो सरकारी है वो बंद होगा क्या? देखने जाएंगी पठान आप? नहीं, मैं इसलिए नहीं। कौन सी बात है? देखने भी नहीं जाएंगी, विरोध भी नहीं कर रही है? मैं मूवी नहीं देखती हूँ, वो इंटरटेनमेंट वैसी मूवी है, थोड़ी रोमांटिक पोमेंटिक सी कुछ वैसी मूवी आती है तो मैं देख लेती हूँ। जैसे किसी के ऊपर बातें आती है, नहीं नहीं, जैसे किसी चीज किसी के ऊपर आती है कहानी, जैसे मानो किसी, जैसे मैरी कॉम थी, मैंने मैरी कॉम मूवी को देखा, लाल सिंह चड्ढा थी आमिर खान की, मैंने वो मूवी देखी। शाहरुख खान कैसे लगते हैं? क्योंकि वो शाहरुख खान कैसे लगते हैं आपको? मेरे को तो सही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई टॉप 50-52 लिस्ट में नाम आया था अभी शाहरुख खान का, तो मुझे इस बात का गर्व था कि मेरे देश के एक एक्टर का नाम आया। मैंने तो सही हाथ फैलाते हैं बॉलीवुड में सच्चे हिंदू, जब जब फैलाते हैं तो आप फैलवाते क्यों हो? आपको कोई कहता है क्या? मतलब मीडिया, आप तय करेंगी कि मीडिया आपसे क्या सवाल करे, किस मुद्दे को उठाए? आप कांग्रेस में है कि मीडिया में है? आप किस चीज में कांग्रेस में? मेरे से इस बात को जान लीजिए, आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे से कोई भी जवाब अपने अपने मन का निकलवाएं मेरे मुंह से।
आपको तो भी कोई अधिकार कह रहा हूं, मैं तो बस जानना चाह रहा हूं क्या नहीं है। मेरा तो यह है, ना मैंने स्मृति ईरानी का विरोध किया था बिकनी पहनी थी, ना मैंने निरहुआ का किया था, ना मैंने रवि किशन का किया था जब इन्होंने हीरोइनों को बिकनी पहनाई। अगर गलत लगता है तो आप विरोध करें, यही तो है। जब मैंने उनका भी विरोध नहीं किया, अपनी मंत्री का नहीं किया, मैंने तो लोग इतनी वीडियो को वायरल कर रहे, मैंने तो उनके गलत है ना, आप नेता है, ये उनका निजी जीवन है, ये उनका अपना निजी जीवन है कि वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती। मैं जनता के मुद्दे उठाने में विश्वास रखती हूँ, मैं किसानों की आवाज को उठाने में विश्वास रखती हूँ, मैं बेटियों की आवाज को उठाने में विश्वास रखती हूँ। मैं ये फालतू के मुद्दा, अरे कौन क्या पहन रहा क्या नहीं पहन रहा, तुमको क्या लेना इस बात से? हिंदुओं को लोकतंत्र में, संविधान में आर्टिकल 19 क्या है, क्या है अपने अधिकार देता है नहीं देता? आर्टिकल 19 संविधान में है ना, तो बस हम तो संविधान को मानने वाले। श्रमणंग बोलने का अधिकार देता है संविधान, किसने बोला? तो फिर पास क्यों की सेंसर बोर्ड में, क्यों पास की पिक्चर वो पास क्यों की, जब आपको पता है कि ये अधिकार नहीं है या किसी की भावनाएं आहत होंगी और सरकार का सेंसर बोर्ड जिहाद का अड्डा, तो इसका मतलब सरकारी सेंसर बोर्ड, सरकार के लोग उसमें बैठे हुए हैं और उन्होंने पहले पास करवाया और बाद में बवाल करवा रहे हैं। इसलिए तो धर्म नहीं है, ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको पिक्चर को और ज्यादा हाइप देने के लिए ये सब चीजें हो रही है। इसमें भी आपको शाहरुख खान की गलती लग रही है? मैंने तो नहीं बोला, मैं तो सरकार की बोल रही हूँ, सेंसर बोर्ड की बोल रही हूँ, क्यों पास करते हैं? धर्म सेंसर अब आ गया तो आप जाएंगे? कितनी धर्म संसद बनेंगे, कितने बनेंगे? सरकारी सेंसर बोर्ड का होगा फिर? पत्रकार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तू ज्यादा छोटा दिख है, सवाल है? है अपने आप को छोटा कह रहा तो तेरा वजूद कोई नहीं है भाई, ध्यान रखिए। जो इंसान अपने आप को छोटा कहता है उसको कोई वजूद नहीं होता। तो आप बड़े नेता हैं? मैं तो नहीं कहती ना, तो मैं छोटी क्यों कहूँ? मैं छोटी भी नहीं हूँ, क्यों कहूँ मैं छोटी हूँ? सुनिए मेरी बात, मैं क्यों कहूँ? अगर मैंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहा तो मैं छोटा क्यों कहूँ? सवाल तो सुन लीजिए। तू होता कौन है भाई मुझे छोटा और बड़ा बताने वाला? सुनो, आप सुनिए ना, आप बहुत सुना गुस्से की क्या बात है, तुम लोग फालतू की बातें ज्यादा करते हो। कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं। जब इंटरव्यू लेने आंदोलन पे आता था बॉर्डर पे, तब भी मैं गुस्सा होती थी, तब तो नहीं थी ना मैं कांग्रेस की नेता, मैं तब भी होती थी क्योंकि मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। तेरे मन में भाजपा चल रहा है ना, इसलिए तू पीछे के रास्ते से उनसे लेके आ रहा होगा ना कुछ अपनी गाड़ी का खर्चा पानी, तो इसलिए तुझे ये चीजें याद आ रही। भाजपा तो बहुत ना 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 ससुराल नहीं आया तू आया भाजपा के सीधे ऑफिस से। सवाल ये मैं है? कह रही हूँ कि भाजपा तो सभी के मन में चल रही है, आपके मन में भी कहीं ना कहीं तो भाजपा होगी। अभी भाजपा की मेरे तो दिन रात मन में रहती है, क्यों नहीं रहेगी भाई? सत्ता उनकी, सरकार उनकी, समस्या वो दे रहे किसानों को, बेटियों को समस्या वो दे रही, तो मेरे मन में क्यों नहीं होगी भाई? सरकार मोदी जी आते हैं कि राहुल गांधी आते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे? मेरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? नहीं ना, देश के प्रधानमंत्री है ना, उनसे उन्होंने टेंशन दे रखा पूरे देश को, पूरे देश के सपने में वो आ रहे हैं क्योंकि टेंशन तो वो दे रहे हैं ना जनता को। राहुल गांधी थोड़ी टेंशन दे रहे हैं? अरे राहुल गांधी टेंशन दे रहे हैं क्या? राहुल गांधी देश को टेंशन दे रहे हैं? नहीं ना, आज इस सिस्टम को लगा करके वो आता है जिसे प्रेम होता है। नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा टेंशन देता है वो भी आता है, और एक प्रेम वाला आता है। तुम्हारे में प्रेम वाला आता होगा क्योंकि जिन्हें देश की फिक्र हो, देश की बेटियों के किसानों की फिक्र हो ना, जिन्हें देश की चिंता हो, तो उनके सपनों में वही आते हैं जो देश को तंग करते हैं। देश का मुद्दा ये भी है, पूरे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में महंगाई है, ये मुद्दे हमारे देश के। पंडित बोलने से क्यों बच रही है? मैं क्यों बोलने से बचती? क्यों और कैसे खुल के बोलूं? ताला चाबी खोल के बोलूं कैसे? खुल के क्यों नहीं बोलूं? और कैसे बोलूं? आपका क्या स्टैंड है पठान पे? मैंने तो आपको बोला, मेरा तो ये है कि पूनम मंडी समर्थन में है। मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलूं मैं गलत बात? क्यों सेंसर बोर्ड ने पास किया? क्यों पास किया सेंसर बोर्ड ने? सेंसर बोर्ड को पास करना चाहिए था, सेंसर बोर्ड सरकारी है ना, क्यों 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 सेंसर बोर्ड ने पास ही क्यों किया और किस पे साधूंगी भाई? सरकारी सेंसर बोर्ड है, सरकारी सेंसर बोर्ड ने पास किया मूवी को, और मैं किस पे निशाना साधूं? पास किसने किया? फैन लग रहे हैं हम तो। देखिए मैं तो सनी देओल की बहुत मूवी देखी हुई है, सबसे ज्यादा मूवी देखी है। शाहरुख खान की बहुत कम। नहीं, शाहरुख खान की भी बहुत सारी मूवी देखी है। तो ये वाली मूवी नहीं मैंने देखी? कुछ कुछ होता है, DDLJ, ये मूवी मैंने देखी है। शाहरुख खान रोमांटिक मूवी ज्यादा देखती है। देखिए अब मैं इतना समय नहीं मिल पाता। देखिए लोगों को अश्लीलता लग रही, मुझे तो स्मृति ईरानी की भी अश्लीलता नहीं लगी थी, वो भी बिकनी पहन के कैटवॉक कर रही। अच्छा, मेरे को वो भी नहीं लगी। समर्थन में है। देखिए उनका वो अपना निजी मामला है ना, वो बिकनी पहने क्या पहने, मैं क्यों विरोध करूँ? क्यों करूँ? धन्यवाद।